इसका नाम है चुलबुल, इससे नहीं पटती कोई बुलबुल, नॉट फॉर सलमान भॉय। वरना तेरे को डर नहीं लगता? हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू दिस प्लेस गेमर। आज बहुत दिनों के बाद हमने हमारा ओरिजिनल इंट्रो किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। और उसके अलावा भाई, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की सीरीज बनाओ, और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई माइनक्राफ्ट फार्म्स की वीडियो बनाओ। तो भाई मैं क्या बनाऊँ, मुझे पता नहीं था, तो भाई मैंने आज कुछ अलग ही कर दिया। मतलब कि हमारा जो सर्वाइवल सीरीज है उसके अंदर आज हम फार्म बनाने वाले हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर करने वाले हैं। एंड अगर आपको लास्ट वाली वीडियो के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि लास्ट वाली वीडियो में हमने इस विलेज में रेड ली थी और उसको सक्सेसफुली डिफेंड भी किया था, और उसके बाद हमें हीरो ऑफ द विलेज का टाइटल भी मिल गया था। लेकिन भाई मुझे, भाई तुम्हारे भाई को, मतलब प्लेस गेमर्स के लिए इन लोगों ने एक भी पटाखा नहीं जलाया था। साला ये दुख का खत्म होता बे। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं हम हमारे कासल पर, लेकिन भाई अभी रात हो चुकी है, तो भाई अभी तो हम नहीं निकल सकते, तो अभी जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है ऐसे ही हमारे चुलबुल के साथ चलेंगे हम हमारे कासल के ऊपर। तो ऑल राइट दोस्तों, सुबह हो चुकी है और भाई यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अपने चुलबुल के पास आ चुका हूँ। और भाई आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूँ कि ये है हमारा घोड़ा और इसका नाम है चुलबुल, जो कि हमने इंस्पायर होके रखा था सलमान भॉय से। तो भाई ये सलमान भॉय जैसा ही है वैसे तो, क्योंकि इसको भी बुलबुल नहीं मिली हुई अभी तक। तो चलो ये सब बातों को छोड़ते और चलते हमारे कासल की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे कासल के नज़दीक, और भाई बहुत दिन हो गए भाई हमारे कासल पे आए हुए, क्योंकि भाई पहले हम चले गए थे भाई गोलम को बचाने के लिए, और उसके बाद वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हुई कि हमें रेड लेनी पड़ी, और उसके बाद रेड को डिफेंड करने में मतलब बहुत ही ज्यादा दिन हो चुके हमारे कासल को देखे हुए। और भाई साहब देखो कितना ही तगड़ा लुक आ रहा है हमारे कासल का, और भाई शेडर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई लास्ट वाली वीडियो में भाई मैंने बताया था कि भाई कासल को कैसे बनाना है, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत चीजें एडअप करी थी, तो वही सारी की सारी चीजें मुझे हमारे कासल के अंदर भी करनी है, सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। और उसके अलावा इसका इंटीरियर भी बनाना है, तो आप लोग थोड़ा बहुत सजेशन देना चाहो तो नीचे कमेंट्स में मुझे सजेशन जरूर देना कि भाई मुझे कासल का इंटीरियर कैसा बनाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग कासल तो पहुंच गए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि आज मैं कौन सा फार्म बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे पास फूड का कोई भी सोर्स नहीं है, मतलब कि मैंने कोई भी एनिमल फार्म नहीं बनाया हुआ, या तो फिर वीट या पोटेटो कुछ भी नहीं उगाया हुआ। तो आज हम बनाने वाले एक ऐसा फार्म, मतलब हम वीट का ही फार्म बनाने वाले, लेकिन हमें उससे वीट नहीं मिलेगा, उसकी जगह हमें मिलेगी ब्रेड, मतलब कि हमें डायरेक्टली बनी हुई ब्रेड ही मिलेगी, हमें वीट को ब्रेड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें हमारा फार्म बनाने के लिए थोड़े बहुत वुड प्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले वुड प्लैंक्स कलेक्ट करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बर्च वुड कलेक्ट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि हमने एक भी बार इसको यूज नहीं करा हुआ, तो आज इसको भी यूज करके देख लेते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओक लोग तो बहुत सारे यूज करे, उसके अलावा स्प्रूस का भी यूज करा हुआ, लेकिन इसका कभी भी यूज नहीं करा हुआ, तो आज हम इसको यूज करके हमारा फार्म बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारा बर्च वुड कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसको भी यहाँ पे एक चेस्ट के अंदर हम स्टोर कर देते हैं, और बाकी की जितनी भी आइटम्स है वो सारी की सारी सबसे पहले तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जितना भी सारा का सारा सामान है वो मैंने कलेक्ट कर लिया और एक चेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है, कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के यहाँ पे कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे सारी की सारी ले ली है, अभी एक दो चीज़ बाकी है, तो सबसे पहले उनको भी बना लेते हैं। मतलब हॉपर और माइनकार्ट विद हॉपर भी थोड़ा बहुत बाकी है, तो सबसे पहले तो हॉपर देख लेते हैं। भाई हॉपर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वैसे जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो आयरन की ज़रूरत है, उसके साथ अरे भाई चेस्ट की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे चेस्ट बनाई हुई नहीं है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने कलेक्ट करके लाए थे उसमें से थोड़ा बहुत ले लेते हैं और चेस्ट को बना लेते हैं। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे माइनकार्ट विद हॉपर भी बनाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हमें आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। ओ भाई ये मैंने क्या बना लिया, भाई ये कॉल्ड्रोन यार, अरे पहले से ही आयरन कम है और उसमें भी भाई मैंने कॉल्ड्रोन बना लिया, यार क्या करूं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो चलो यार अब तो क्या कर सकते हैं, अब कॉल्ड्रोन बन गया है तो उसको वापस आयरन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको रखते आगे कभी ना कभी काम में आ जाएगा। अब बाकी तो मुझे माइनकार्ट विद हॉपर बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हॉपर तो मैंने बना लिया, माइनकार्ट विद हॉपर भी बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक और माइनकार्ट चाहिए, तो उसको सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे माइनकार्ट भी बन चुकी है, तो अब सिंपली से हमें माइनकार्ट विद हॉपर बना लेने, हमें दो माइनकार्ट विद हॉपर चाहिए होंगे, लेकिन साथ में भाई मुझे चाहिए होगी माइनकार्ट एक और, क्योंकि विलेजर्स को हमें लाना भी पड़ेगा, तो भाई उसके लिए तो भाई मेरे पास आयरन पड़ा नहीं है, देखना पड़ेगा कहीं माइनकार्ट अगर मुझे मिल जाए तो भाई मेरा काम हो जाए। ओ भाई साहब मुझे यहाँ पे माइनकार्ट मिल चुकी है, जब मैं माइनशाफ्ट में गया था वहां से मैंने बहुत सारी रेल की पटरियां तोड़ी थी, और उसके अलावा माइनकार्ट भी मैं दो तीन लेकर आया था, अच्छा वो मुझे यहाँ से मिल गई, वरना भाई अभी मुझे आयरन माइनिंग पे जाना पड़ता। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी चीजें सारी की सारी रेडी हो
चुकी है, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा ही ली हुई है कि मुझे बार बार यहाँ पे आना ना पड़े, तो मैक्सिमम चीजें रेडी हो गई है। तो अब हम हमारा फार्म बनाने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा फार्म है वो हम हमारे विलेज के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि भाई विलेजर्स को भी मूव करना है तो उनको मूव करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहेगी अगर मैं फार्म दूर बनाता हूँ। तो ये जो फार्म है इसके पास ही मैं बनाने की सोच रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आपने ये फार्म की वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो भाई जल्दी से जाओ, ऊपर आई बटन पर आ रही होगी तो उसको भी बाद में जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हुए कि जिसकी वजह से शुगर फार्म की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये जगह मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगी क्योंकि हमारे फार्म के बाजू में ही और ज्यादा दूर भी नहीं है। तो इधर मैंने एक गड्ढा कर दिया, मतलब एक ब्लॉक को तोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, वाटर बकेट ले लेनी है और उस वाटर बकेट को इसमें पानी डाल देना है। अब इससे होगा क्या, जो हमारा वीट फार्म होगा उस वीट फार्म को हमें मतलब पानी भी देना पड़ता है, ये पानी उसका वाटर सोर्स का काम करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने अपनी हॉय ले ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे ये इधर है इधर से हमें चार ब्लॉक तक इसको, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे इसको हटा देना है कि जिसकी वजह से यहाँ पे हम इधर खेती कर सके, मतलब हमारा अनाज उगा सके, या तो चावल कह सकते हो, चावल उगा सके। तो ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें आसपास की जितनी भी जगह ये सब क्लियर कर देनी है, मतलब कि यहाँ पे 9x9 की एक स्पेस को हमें यहाँ पे क्लियर कर देना है। तो दोस्तों फाइनली अब ये सारा का सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वुड प्लैंक को ले लेना है, उनको यहाँ पे दो हाइट तक लगा देना है, मतलब इसके चारों के चारों और साइड लगा देना है। मुझे लगे थे भाई ये जितने भी मैं वुड प्लैंक लाया हूँ मैंने बहुत ज्यादा ही ले लिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भाई मैंने ज्यादा लिए, क्योंकि भाई मुझे लगता है जितने भी है सारे के सारे वो यूज हो ही जाने वाले, वैसे कमी तो नहीं पड़ने वाली है लेकिन हाँ बचेंगे भी नहीं ज्यादा वैसे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे वुड प्लैंक्स लग चुके हैं और भाई मुझे नहीं लगा था कि बर्च वुड इतने अच्छे लगने वाले, वैसे यार मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, मतलब ये शेडर्स की वजह से इसका अलग ही एक लुक आ रहा है। और उसके अलावा हमारा जितना भी मेन काम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन असली इसको मेन काम तो नहीं कह सकती, ये छोटा मोटा ही काम था। जो सबसे बड़ा काम है वो यहाँ पे विलेजर्स को लाना, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे काम करने, तो वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सेंटर के दो ब्लॉक्स को तोड़ देना है, तो ये दूसरा ब्लॉक भी यहाँ पे तोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक्स ले लेने हैं और उनको एक ब्लॉक इधर लगाना है, दूसरा इधर लगाना है, तीसरा इधर लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें दो और ब्लॉक्स को तोड़ देना है, मतलब जो डर्ट थी उसको तोड़ देना है। उसके बाद एक हॉपर को यहाँ पे लगाना है और उसके बाद हमें स्लैब ले लेना है और उस स्लैब को हमें यहाँ पे नीचे की ओर लगा देना है, मतलब कि बिल्कुल नीचे की ओर नहीं लगाना है, यहाँ पे ऊपर की ओर लगाना है। और भाई शाम का भी यहाँ पे वक्त हो चुका है तो भाई सबसे पहले सोने जाना पड़ेगा वरना मॉब्स आ जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे दो ब्लॉक्स को लगा देते हैं और चलते भाई सोने के लिए, उसके बाद सुबह में उठ के बाकी का जो काम है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, चलते हमारे फार्म की और, मतलब आगे का जितना भी काम है सारा का सारा कंटिन्यू करते हैं। और भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई जब देखो तब यहाँ पे स्विमिंग पूल है क्या, तो जब देखो यहाँ पे नहाने के लिए आ जाता है, मतलब कल भी ऐसे आ गया था और आज भी इधर आ चुका है। भाई जब भी देखो इधर मॉब्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों इधर ही इनको नहाने की जगह मिलती है क्या। तो भाई मैं यहाँ पे कंपोस्टर लाना भूल गया था, तो भाई मैं वो भी जाकर लेकर आ गया हूँ, क्योंकि भाई कंपोस्टर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा तो भाई यहाँ पे विलेजर, मतलब जो विलेजर होगा वो यहाँ पे फार्मर तो बन नहीं पाएगा, तो कंपोस्टर लाना भी जरूरी था। और भाई यहाँ पे बारिश भी गिरना स्टार्ट हो गई है, मतलब भाई किस्मत भी हमारे साथ है। वैसे यहाँ पे माइनक्राफ्ट में जरूरी तो नहीं होता कि भाई फार्मिंग करो तब भाई बारिश गिरनी चाहिए, लेकिन गिर रही है तो भाई कोई बात नहीं। तो भाई लगे हाथ यहाँ पे मैं सीड भी लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे जितने भी सीड है उनको भी यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि भाई बारिश गिर रही, वैसे ऐसा जरूरी तो नहीं है लेकिन भाई मजा आता है, क्योंकि भाई बारिश में हम यहाँ पे सीड लगा रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत फीलिंग आती है कि ना भाई हम सच्चे में यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। वैसे इसको गुजराती में वावणी बोलते हैं, तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना, जो गुजराती होंगे उनको तो पता चल गया होगा कि इसको वावणी बोलते हैं। तो मुझे भी नीचे कमेंट्स में बताना कि आपकी लैंग्वेज में उसमें क्या बोलते हैं, मतलब मुझे पता नहीं है, हिंदी में तो भाई बीज बोना बोलते हैं, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज में अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसके बाद अब आप लोगों को बाहर आ जाना है और इधर आपको दो ब्लॉक्स तक डीक कर देना है। दो ब्लॉक्स तक डिक करने के बाद आपको इधर आसपास का जितना भी एरिया है उसको क्लियर कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारी चेस्ट लगानी है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हॉपर लगाया था उसके नीचे हमें यहाँ पे चेस्ट लगानी है, तो सबसे पहले चेस्ट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाई टॉर्च लगा देते क्योंकि अंधेरा बहुत था। और भाई टॉर्च से मुझे ये याद आया कि भाई अंदर भी हमें टॉर्चेस लगानी है, तो सबसे पहले उसको पूरा कर देते। तो हमें क्या करना है, कॉम्पोजिटर के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक लेना है और उसको यहाँ पे ऊपर लगाना है, और उसके बाद उसके चारों ओर हमें यहाँ पे एक एक टॉर्चेस लगा देनी है। तो यहाँ पे एक दो एंड यहाँ पर ये तीसरी लग गई, उसके बाद यहाँ पर ये चौथी। अब हमें यहाँ पे दो ब्लॉक्स छोड़ने और इधर एक लगानी है, दो छोड़ने और इधर एक लगानी है, और जैसा हमने एक साइड लगाया ऐसा हमें चारों चार कोनों पर लगा देना है। इससे होगा क्या कि रात को हमारा जो फार्म है वो भी वर्किंग रहेगा, मतलब रात को यहाँ पे वीड भी उगेगा, उसके अलावा जो विलेजर है वो भी यहाँ पे काम करता रहेगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दो चेस्ट लगा देनी है, और दो चेस्ट लग जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्लैब्स ले लेने हैं, और उन स्लैब्स को यहाँ पे एक लगा देना है और दूसरा यहाँ पर लगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लास्ट वाला काम करना है, उसमें हमें क्या करना होगा,
आपको यहाँ पे ट्रैपडोर ले लेना होगा और उसको यहाँ पे नीचे की साइड लगा देना होगा और उसको ओपन करना होगा, मतलब ये सही से खुल रहा है बंद नहीं हो रहा, वो चेक कर लेना कहीं गलत जगह ना लग जाए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे माइंड कार्ड विथ हॉपर लेनी है और इधर रख देनी है और उसको यहाँ पे धक्का मारना है जिसकी वजह से वो ट्रैपडोर के नीचे चली जाएगी और उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पे ट्रैपडोर को खोल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर रेल का ट्रैक लगा देना है और उसके ऊपर माइंड कार्ड विथ हॉपर रख देनी है। इधर उसके बाद हमें ट्रैपडोर लगाना रह गया, तो उसको लगाने के लिए हम साइड में से ऊपर चले जाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी रेल कार्ड आगे नहीं चली जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैपडोर को यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं और ट्रैपडोर को लगा देने के बाद हमें यहाँ पे पीछे की ओर आना है और जो हमारा माइंड कार्ड विथ हॉपर उसको धक्का देके आगे कर देना है। यहाँ पे हमारा जो ट्रैपडोर है उसको यहाँ पे हमें ओपन ही रखना है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, बाद में इसको ओपन में यहाँ पे आगे कर दूंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, इधर जो ब्लॉक है उसको यहाँ पे तोड़ देना है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एक विलेजर आने वाला है जिसके साथ जो हमारा फार्मर है वो ट्रेड करेगा और जो जब वो ब्रेड को ट्रेड करेगा तो ये हॉपर की वजह से वो जितनी भी ब्रेड वो ट्रेड करेगा वो सारी की सारी ब्रेड यहाँ पे नीचे को आ जाएगी। तो यही हमारा मेन कंसेप्ट होने वाला है यही फार्म का, लेकिन जो हमारे फार्मर है उसको लाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो उसको कैसे लाना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लगाए थे उसके ऊपर यहाँ पे हम स्लैब्स लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारा पूरा का पूरा फार्म यहाँ पे रेडी हो चुका है, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि जो विलेजर है उसको हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को बिछाना पड़ेगा क्योंकि माइंड कार्ड से उसको लाना थोड़ा बहुत ईजी रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स को मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने रेलवे गेट पर माइंड कार्ड रख दी थी और जैसे भाई मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो भाई इधर विलेजर बैठ चुका है और भाई ये भी भाई हाँ बोल रहा है। अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि भाई तू बिना इजाजत के बैठ चुका है, लेकिन कोई नहीं, तूने मेरा काम आसान कर दिया वैसे। और भाई कितनी तेजी से जा रहा हो भाई साहब, ये कितना उछल के भाई वहाँ पे गिरा है भाई, भाई एक मर वर तो नहीं गया ना, मतलब ना भाई जिंदा है अभी, भाई जिंदा जिंदा है भाई। और उसके अलावा भाई हमें इधर डायरेक्टली फार्मर नहीं लाना क्योंकि यहाँ पे हमें कोई और विलेजर को लाना है, उसको फार्मर में हमें कन्वर्ट करना है। अगर हम यहाँ पे फार्मर लाएंगे तो वो इधर जॉब नहीं करेगा और इधर जो वीट है उसको भाई वो काटेगा नहीं। एंड हाँ यार, इसको कब से कब तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये टूट क्यों नहीं, मतलब ये हट क्यों नहीं रही भाई। ओके फाइनली ये हट चुकी है और भाई साहब तू किधर जा रहा है भाई, उधर नहीं जाना यार तुझे। अरे भाई रुक जा यार भाई, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना होगा। और भाई साहब, भाई इसने पूरा का पूरा यहाँ पे सत्यानाश पीट दिया, जितना भी मैंने यहाँ पे काम करा था सारा का सारा इसने खराब कर दिया भाई। इसको मारने का दिल कर रहा है लेकिन भाई मैं मार भी नहीं सकता यार इसको, वरना वापस से नया विलेजर लाना पड़ेगा। भाई इसने बहुत गंदा काम करा भाई, अब इसको भी पूरा का पूरा ठीक करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत बार बेड लगा चुका हूँ लेकिन भाई ये फार्मर बन ही नहीं रहा, तो भाई मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ये अभी फ्लेचर पहले से बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लेचिंग टेबल मैंने रखा हुआ है उसको यहाँ पे मुझे तोड़ देना पड़ेगा और उसके बाद ही शायद ये फार्मर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे फ्लेचिंग टेबल भी मिल चुका है, तो भाई इसको सबसे पहले यहाँ पे तोड़ देते हैं और भाई इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई अब चल के देखते कि जो हमारा फार्मर है वो भाई अभी भी ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर भाई वो नहीं हुआ होगा तो भाई मुझे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि भाई पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ लेकिन भाई वो फार्मर में कन्वर्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चल के देखते कि भाई वो फार्मर में कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो भाई साहब ये यहाँ पे फार्मर में फाइनली कन्वर्ट हो चुका है। तो भाई अब मेरा आधा काम तो मतलब हो चुका, अब जितना भी इसने काम बढ़ाया है मेरा वो सारा का सारा यहाँ पे सही करना होगा। तो भाई तू इधर से हट, चल निकल। अब सारा का सारा मैं यहाँ पे काम जो मेरा उसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा विलेजर भी मैं ला देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जितनी भी यहाँ पे चीज़ें खराब कर दी थी इस विलेजर ने सारी की सारी मैंने यहाँ पे ठीक कर दी और नया विलेजर भी यहाँ पे ला के रख दिया है। उसके अलावा आप लोगों को ये विलेजर लग रहा होगा कि भाई मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन भाई ये मुझे नहीं देख रहा, दूसरे विलेजर के साथ ट्रेड कर रहा है और जैसे ये जितने भी ट्रेड करेगा वो सारी की सारी ट्रेड हमारी चेस्ट के अंदर जमा हो जाएगी, मतलब जितनी भी ये ब्रेड डालेगा वो सारी की सारी ब्रेड हमारे चेस्ट के अंदर जमा हो जाएगी। तो देखते भाई इसने ट्रेड करके कितनी ब्रेड यहाँ पे जमा करी है। तो चलो यार इस चेस्ट को खोल कर देखते। और भाई साहब इसके अंदर 11 ब्रेड आ चुकी है, मतलब इसने एक बार ट्रेड करा उसमें 11 ट्रेड आ चुकी है, मतलब भाई ये फार्म बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और 100% वर्किंग है। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा फार्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो मेरा कासल बनाना तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके कासल ट्यूटोरियल की वीडियो देख लो, और अगर चाहते हो कि माइनक्राफ्ट पीई के पहले के एपिसोड देखना तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो।